टू दिस एपिसोड ऑफ सवाल संडे, जहां मैं देती हूं आपके सवालों के जवाब. राइट, लास्ट संडे कोई एपिसोड नहीं आया था एंड मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस थे कि मैम मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब. तो दैट टाइम आई रियलाइज कि यू नो ये एपिसोड बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट करते हैं, स्पेशली जिन्होंने इसी यू नो वीडियोस के कमेंट्स में बहुत सारे सवाल पूछे होते हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस एपिसोड, जहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है वो है अनिकेत गाडजे का. राइट, उनका क्वेश्चन है बीए के बाद एमबीए करना सही होगा, प्लेसमेंट कैसा रहेगा. प्लेसमेंट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, कॉम्स अच्छी है, पर्सनालिटी अच्छी है, यू नो प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी है, प्लेसमेंट हो जाएगा. बट यू नो किसी भी कोर्स के बाद आप कर सकते हैं एमबीए, अच्छा ही ऑप्शन है अगर आपका इंटरेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में है. राइट, तो ये सवाल तो यू नो जो बच्चा पूछता है ना कि मैम प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यार सिंपल सी चीज़ है यार, तुम कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, तुम गवर्नमेंट एग्जाम उठा के देख लो, तुम यू नो किसी कॉम्पिटेटिव इंजीनियरिंग के एग्जाम जेई को उठा के देख लो, तुम कैट के एग्जाम को उठा के देख लो, एक ही क्लास में बहुत सारा बच्चा पढ़ रहा होता है, किसी का 95 आता है, किसी का 70 आता है, किसी का 40 आता है. तो यहाँ पे बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कॉलेज में प्लेसमेंट्स आते हैं वैसे कॉलेजेस आप चूज करो, बाकी यू नो प्लेसमेंट मिलेगा या नहीं ये तो तुम पे डिपेंड करेगा. ये सिंपल सा यू नो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब था. दूसरा क्वेश्चन है संदीप कुमार का, ग्रेजुएशन 2018 में किया है, 2020 में इन्होंने यू नो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोर्स किया हुआ है. ये कोर्स जो है वो कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं जिनको अकाउंटिंग में करियर बनाना पड़ता है. इसमें यू नो एक बेसिक देन इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल का होता है. इंटरमीडिएट जो बेसिक होता है वो आई थिंक 8 महीने का होता है, देन इंटरमीडिएट आई थिंक 10 या 12 मंथ्स का होता है, और जो फाइनल होता है वो 12 मंथ का होता है. तो ये कोर्स कंप्लीट किया है, और क्या मुझे एमबीए में एडमिशन लेना चाहिए? यार ये क्वेश्चन पहले तो तुम खुद से पूछो. राइट, तुमने 2018 में अपना ग्रेजुएशन किया है, देन फिर तुमने सीएमए का कोर्स किया है, तो सवाल ये होता है कि तुम्हें एमबीए क्यों करना है. राइट, पहले इसका जवाब ढूंढो कि क्यों एमबीए करना है. अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मुझे फाइनेंस डोमेन में, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड, जो मुझे लग रहा है अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं यार मेरे पास जो स्किल्स है राइट वो मैं इस कोर्स को करने के बाद एनहांस कर पाऊंगा, इसमें अपना करियर बना पाऊंगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज अगेन हर जगह है, आप किसी भी में करें, तो फिर तुम्हें ये करना चाहिए. बट अगर तुम्हें इसलिए करना है कि यार अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 2018 में ग्रेजुएशन किया था, सीएमए भी कर लिया, जॉब मिल नहीं रही है, एमबीए कर लूंगा जॉब मिल जाऊंगी, तो फिर यू नो आई एम लिटरली टेलिंग यू यूर ऑन राइट रॉन्ग पाथ, आप एकदम गलत रास्ते पे हो. तो आपको सोचना है, समझना है एंड देन डिसाइड करना है. कोई हेल्प लगेगी तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो. तीसरा सवाल ऋषिकेश दिवांदे का है कि ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस से भी फीस कम होती है क्या? कोई फीस कम नहीं होती, फीस वही रहती है. कुछ कुछ कॉलेजेस में आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको उसकी स्कॉलरशिप मिल जाती है. निशांत कश्यप का क्वेश्चन है कि हेलो मैम, आई एम रेगुलरली गेटिंग कॉल्स फ्रॉम डीवाई पाटिल फॉर करस्पॉन्डेंस एंड देर सेइंग दैट यू गॉट एडमिशन इवन आई हैव 49% I'm from general category. Is it real or fake? यार एक बार eligibility criteria check कर लो, right? You know, because I think हो सकता है कि आप correspondence course के लिए जा रहे हैं, which is not a regular course, right? तो हो सकता है वहाँ पे eligibility जो है वो differ करे. I'll do one thing, मैं एक separate video बना दूँगी इसको check करके, because मुझे भी ये verify करना पड़ेगा. Regular course के लिए तो MBA में 50 से कम में कोई भी कर रहा है, it's fake, right? बट करेस्पॉन्डेंस का आई हैव टू चेक, राइट, कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपके ग्रेजुएशन में 50 से कम है तो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. तो उस पर मैं एक बार वीडियो देख के आपको अपडेट कर दूंगी. आप नीचे फॉर्म भर दो, वील रीच यू आउट, वील रिस्पॉन्ड यू फॉर दिस से. राइट, यशाश्वी कसेरा का क्वेश्चन है, प्रेस्टीज एमबीए कोर मिल जाएगा, सीमैट का स्कोर 160, चांसेस पूरे हैं अगर आपने सीमैट दिया है स्कोर पर मिलने के चांसेस हैं. आप चॉइस फिलिंग कर दीजिए, डीटी की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, आप चॉइस फिलिंग कर दोगे मिलने के पूरे चांसेस हैं. राइट, देन वी हैव सौरभ उपाध्याय, राइट, SRM गाजियाबाद कॉलेज का प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज पैकेज, ये पैकेज की इन्फॉर्मेशन दी है, 4.5 लाख का पैकेज दिया है और 45 का, बट इतना पैकेज नहीं है. मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और कॉलेजेस देखने चाहिए, MBA के लिए उतना सही ऑप्शन नहीं है, दिस इज माई पर्सनल सजेशन. दो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे 45 लाख का पैकेज दिया है, एवरेज 4.8 लाख का दिया है, मुझे लगता है कुछ और ऑप्शन को आप कंसिडर करो. द ऑल इन वन स्टडी एंड फन का क्वेश्चन है, रिस्पेक्टेड मैम, राइट, I want to do MBA in healthcare and I am last year of my BSc graduation. Which college is good in Delhi NCR? Merit Ghaziabad, Noida. There are very less colleges, especially ज़्यादातर आपको university मिलेगी, जैसे MIT University है, Bennett University है, देहरादून में देख रहे हैं तो UPS है,
देयर इज कॉलेज विच इज IHMR, राइट, जो कि हेल्थ केयर से ही रिलेटेड कोर्सेज कराता है. बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या आप BSc करके पहली चीज आप श्योर हो कि आप हेल्थ केयर में ही जाना चाह रहे हो, राइट? बिकॉज बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैंने BSc यू नो किया है इसलिए मैं MBA हेल्थ केयर में कर लूँ, राइट? क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है कि आप स्विच कर सकते हो. अगर ऐसा नहीं है, आपका इंटरेस्ट है, आपकी स्किल्स हैं और आप इसीलिए कहीं ना कहीं MBA हेल्थ केयर में करना चाहते हैं, देन उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपका स्कोर. आप पहले कैट दो, अच्छा स्कोर करो और अच्छे कॉलेजेस देखो अगर आप हेल्थ केयर में जा रहे हो. फिर नहीं मिलते हैं, देन आप एवरेज में तो बहुत सारे कॉलेजेस देख सकते हो और उनको जानना चाहते हो, तो नीचे जो प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है उसको फिल करके तुम डिटेल्स ले सकते हो. दिस इज ए, राइट, ए विद द ए, राइट. प्लीज सजेस्ट मी गुड कॉलेजेस फॉर MBA. रिसेंटली गॉट माई BCom डन. यार आई ऑलवेज से दिस आंसर इन माई वीडियो की कॉलेजेस डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट का प्रोफाइल, राइट? तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करेंगे. किसी की प्रोफाइल के हिसाब से कुछ कॉलेजेस अच्छे हो सकते हैं, किसी की प्रोफाइल के हिसाब से कुछ कॉलेजेस बुरे हो सकते हैं. तो अगर तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस सही होंगे, तो वो तुम्हें प्रोफाइल बतानी पड़ेगी, तभी जवाब दे पाऊंगी. वरना तो टॉप कॉलेजेस आई एम अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकटा, SPGEN, एक्सेलराई, जमशेदपुर, राइट, FMS दिल्ली. बट डिपेंड करता है ना, वो तुम्हें मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे. दैट इज द रीजन प्रोफाइल मेंशन करो, देन विल बी एबल टू टेल यू कि आप कौन से कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो. रितेश त्रिपाठी का क्वेश्चन है, प्रेस्टीज की इन्फॉर्मेशन दीजिए प्लेसमेंट ऑफ DAVV इंदौर फॉर MBA. सॉरी, इन्होंने DAVV पूछा, प्रेस्टीज नहीं. तो DAVV में मैनेजमेंट का हाईएस्ट पैकेज जो है वो 6.27 लाख का है, एवरेज 6.57 लाख का है, लोएस्ट 5 लाख का है. मैं आपको बता दूँ एवरेज पैकेज कितना है, आप 4 लाख के आसपास का मान सकते हैं. लोएस्ट जो है, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं पढ़ रहे हैं, उनका ये कहना है कि लोएस्ट में आप 2.5 लाख का, इवन 2 लाख का पैकेज भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं. हाईएस्ट इज समथिंग जो कि एक आध बच्चे को मिलता है, तो उसके बेसिस पे आप कॉलेज डिसाइड नहीं कर सकते. तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड सवाल संडे. वीडियो पसंद आया है लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना मेरे साथ. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.